नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सुथार स्मार्ट काउंटिंग आरएसएनआर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरसीईआरटी एग्ज़ाम में इंटरनेट से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आरसीईआरटी का एग्ज़ाम 6 दिसंबर 2020 को होने जा रहा है। तो दोस्तों, ये आरसीईआरटी एग्ज़ाम से रिलेटेड हमारा सेकेंड वीडियो है। इससे पहले हमने आरसीईआरटी बुक्स में से कुल 70 यानी कि 70 क्वेश्चन का एक कॉम्बिनेशन वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। और अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस वीडियो के साथ साथ हमारे 70 क्वेश्चन वाला जो वीडियो है उसको जरूर देखें, जिससे कि आप जब भी एग्जाम देने जाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्प भी मिलेगी। और इस पार्ट वन का जो वीडियो का लिंक है, वो लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और ऊपर आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से भी आप इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। और दोस्तों, आज की इस वीडियो हम केवल इंटरनेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं की लिस्ट हमने तैयार करी है विद आंसर के साथ। और हम धीरे धीरे 6 दिसंबर 2020 तक हम पूरी बुक्स के रिलेटेड जो हमारे लेसन है उनके स्टेप टू स्टेप हम इसी तरीके के वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी जरूर क्लिक करना। और वीडियो देखने के बाद आप हमें कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी जरूर कर देना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन नंबर एक है इंटरनेट से रिलेटेड, भी किसी नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर करने की गति को किस में नापा जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा बिट्स पर सेकेंड, यानी कि जो नेटवर्क की जो ट्रांसफर होता है, जो हम डाटा ट्रांसफर होता है उसकी जो गति है बिट्स पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में कितने बिट्स ट्रांसफर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एम कॉमर्स का उदाहरण है। तो सही आंसर इसका मोबाइल कॉमर्स। तो दोस्तों, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप आंसर के साथ साथ क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना भी क्वेश्चन क्या पूछा है और इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। अब हो सकता है जब एग्जाम में सेम क्वेश्चन ये याद है एम कॉमर्स का उदाहरण है और जो आपने यहाँ पे जो इसका ऑप्शन है मोबाइल कॉमर्स और अभी यहाँ पर ये 4 नंबर पे यानी कि डी ऑप्शन पे है, और हो सकता है ये एग्जाम के आपको 1 नंबर पे पूछ लिया जाए, इसका ऑप्शन है जो 1 नंबर पे दे दे, तो आपको कोई ये नहीं रटना भी इसका ई कॉमर्स का उदाहरण डी है। तो आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर को भी देखना है और आंसर के साथ साथ आपको क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना है भी क्वेश्चन क्या है और इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान सरकार ने एक पोर्टल शुरू किया है जिसके माध्यम से राज्य के सभी नागरिक ग्रामीण व शहरी सही कीमत पर विभिन्न तरह की वस्तुओं को आसानी से खरीद सके, यानी कि कौन सा ऐसा पोर्टल है। तो सही आंसर इसका ई बाजार। क्वेश्चन नंबर 4, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट का उदाहरण है, यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग कौन सी है। तो सही आंसर इसका फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जिसे कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो सारी ऑनलाइन वेबसाइट होती है, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट। क्वेश्चन नंबर 5, SNS की फुल फॉर्म क्या है। तो सही आंसर इसका सोशल नेटवर्किंग सर्विस है। जो सभी ऑप्शन होते हैं वो मिलते जुलते होते हैं, लेकिन हमें बहुत ही केयरफुली इसको ध्यान में रखना है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, ट्विटर को लॉन्च कब किया गया था। सही आंसर इसका जुलाई 2006 में। क्वेश्चन नंबर 7, मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स कब शुरू किया गया था। तो सन 2008 में। क्वेश्चन नंबर 8, NPTEL की पूरा नाम क्या है, यानी कि NPTEL की फुल फॉर्म क्या है। तो सही आंसर इसका नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 9, डेटा का प्रबंधन और रख रखाव किया जाता है, कहाँ किया जाता है, क्लाउड स्टोरेज पर। क्वेश्चन नंबर 10, गूगल ड्राइव से क्लाउड स्टोरेज किसके साथ जुड़ा होता है। तो सही आंसर इसका ऑफिस टूल्स। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए ई बाजार का URL क्या है, यानी कि अगर आपको ई बाजार की वेबसाइट पर जाना हो, ई बाजार के पोर्टल पर अगर आपको जाना हो तो आप उसकी सही वेबसाइट क्या है। URL का मतलब जहाँ पे हमें वेबसाइट को टाइप करना होता है, तो इसका जो सही वेबसाइट है वो है http://www.ebazar.rajasthan.gov.in।
क्वेश्चन नंबर 12, एमएस ऑफिस में व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो सही आंसर इसका एमएस आउटलुक। क्वेश्चन नंबर 13, गूगल ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स का उदाहरण है? तो सही आंसर इसका ए क्लाउड स्टोरेज सर्विस, यानी कि जहां पर हम डाटा को स्टोरेज रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक वेबसाइट कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट की जाती है जिसे हम कहते हैं वेब सर्वर। क्वेश्चन नंबर 15, एसक्यूएल का पूरा नाम क्या है, यानी कि एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है? तो सही आंसर इसका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो दोस्तों, ये थे आज इंटरनेट से रिलेटेड 15 क्वेश्चन, और हम इसी तरीके से इंटरनेट से रिलेटेड हम और भी ज़्यादा वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे, और इस इंटरनेट के साथ साथ हम पूरी बुक्स का पूरा वीडियो स्टेप टू स्टेप लेसन वाइज हम अपलोड करते रहेंगे। तो दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।